पहला अंक कहानी रतलाम मेडिकल कॉलेज की। विगत दिवस रतलाम मेडिकल कॉलेज का स्वयं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण जी पांडे का नामकरण होते ही यह एक बार फिर सुर्खियों में आया। आए दिन कॉलेज से संबंधित समाचारों में जनता में इसकी स्थापना के श्रेय को लेकर कई प्रकार के दावे प्रतिदावे किए जाते रहे हैं। कॉलेज खोलने की मांग की आवाज उठाने से लेकर आज तक की 50 साल के इसके संघर्ष के घटनाक्रम के पीछे किन लोगों की समय पर क्या क्या भूमिका रही और किस किस का क्या क्या योगदान और प्रयास रहा, आज की नई पीढ़ी को सच्चाई और वास्तविकता से अवगत कराने का यह एक अच्छा अवसर और समय है। आइए जानते हैं इसकी सप्रमाणिक संपूर्ण तथ्यात्मक जानकारी। बात वर्ष 1969 की है। सरकार द्वारा गठित ताराचंद्र आयोग की सिफारिश अनुसार प्रत्येक विश्वविद्यालय में एक मेडिकल कॉलेज खोले जाने की केंद्र शासन की योजना के अंतर्गत विश्वविद्यालय क्षेत्र का बाड़ा शहर होने के कारण से रतलाम ने प्रमुख दावेदारी करी। रतलाम की जनता ने उज्जैन की बजाय रतलाम में मेडिकल कॉलेज खोलने की मांग रखी। सन 1969 में जब संविद सरकार के पतन के बाद राज्य मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री पन श्यामचरण शुक्ल ने रतलाम के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता एवं विधायक डॉक्टर देवी सिंह को स्वास्थ्य मंत्री की शपथ दिलाई, तब रतलाम की जनता इनसे इस कॉलेज को रतलाम में खुलवाने की उनसे उम्मीद लगाए बैठी थी। रतलाम की राजनीति में श्री रामेश्वर अग्रवाल उनके धुर विरोधी थे। कॉलेज की छात्र राजनीति बड़ी दिलचस्प होती थी, गैर विद्यार्थियों तो ठीक, शहर की जनता भी कॉलेज चुनाव और कॉलेज के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी। वर्ष 1969 का कॉलेज का शैक्षणिक सत्र अभी आरंभ होना था। इसके पूर्व ही दोनों छात्र संगठन विद्यार्थी यूनियन व विद्यार्थी मोर्चा के नेताओं को श्री अग्रवाल ने, जो कि यूनियन व मोर्चा दोनों पार्टियों से संबंध रहे, एकजुट कर मेडिकल कॉलेज के आंदोलन की नींव रखी। उस समय की छात्र राजनीति में दोनों पार्टियों का मुख्य एजेंडा कॉलेज में नवीन कक्षाएं प्रारंभ करवाना और शहर में अन्य शैक्षणिक गतिविधियां प्रारंभ करना रहता था। शहर में छात्र एकता का उस समय एक ऐसा वातावरण निर्मित हुआ जिसकी परिणति में एक जबरदस्त छात्र आंदोलन हुआ। कुछ दिनों बाद वह छात्र आंदोलन रतलाम के शैक्षणिक पिछड़ेपन, जिसमें एग्रीकल्चर कॉलेज की मांग भी थी, और अब रतलाम के औद्योगिक पिछड़ापन तथा रोजगार की समस्या को लेकर छात्र संघर्ष समिति के बैनर तले संपूर्ण रतलाम का जन आंदोलन बन गया। इस आंदोलन ने रतलाम में कई नेताओं को जन्म भी दिया। उस समय के युवाओं ने लंबे समय तक रतलाम की राजनीति में अगुवा रहकर आज पर्यंत नेतृत्व करते रहे हैं।